इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये जो है 2020 का क्वेश्चन है ईडन सेम का, फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग इज प्रीफर्ड फॉर वॉक्स ऑफ लाइटिंग, कि इनमें से कौन सा टाइप का वायरिंग जो है हम प्रीफर करते हैं वॉक्स ऑफ लाइटिंग में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, कंड्यूट वायरिंग जो होता है ये यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज, कि जो मैक्सिमम लोड जो होता है जिसे कनेक्ट कर सकते हैं एक सब सर्किट में वो होता है 800 वाट तक, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, 800 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज इज प्रोवाइडेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर, कि जो फ्यूज जो होता है ये प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में किसके लिए, तो ये सेफगार्ड करने के लिए, सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट। तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। अब इसको जो होता है सीरीज को, इसमें जो फ्यूज जो होता है हमेशा जो होता है सीरीज में लगाया जाता है, जिस भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, अगर मुझे इसे बचाना है तो इसके लिए मैं फ्यूज जो होता है इसके सीरीज में जोड़ता हूँ। ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल को वर्क करता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे अगर सप्लाई जोड़ा, ठीक है, कोई वी वोल्ट है यहाँ पे हमने सप्लाई दिया, तो इसमें जो अगर कोई रेटेड करंट से अगर करंट हमारा ज़्यादा फ्लो करेगा, तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें पावर लॉस होता है, P=I²R। ठीक है, पावर लॉस जो होता है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो करंट हमारा फ्लो करता है इस सर्किट में वो बहुत ही नॉर्मल करंट फ्लो करता है, तो इसके कारण पावर लॉस बहुत कम होता है, आपका फ्यूज जो होता है वो मेल्ट नहीं करता। लेकिन जब फॉल्ट ऑकर होता है, ठीक है, जब भी हमारा फॉल्ट ऑकर होता है तो जो करंट का वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाता है, कितना से, तो 2 to 10 times तक इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल जो हमारा करंट होता है उससे। तो करंट का वैल्यू बढ़ने के कारण होता क्या है कि जो आपका पावर लॉस है वो इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज पावर लॉस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। तो अगर करंट का वैल्यू अगर बढ़ा तो उसके कारण आपका क्या होता है कि पावर लॉस भी इंक्रीज कर जाता है आपके सर्किट में, और पावर लॉस होने के कारण वो जो है हीट हो जाता है, और हीट क्योंकि कोई भी लॉस जो है हमारा हीट के रूप में डिसिपेट होता है। ठीक है, तो जब हीट होता है तो आपका जो फ्यूज होता है वो मेल्ट कर जाता है, तो इस प्रकार आपका प्रोटेक्ट कर लेता है हैवी करंट से, जो भी आपका इक्विपमेंट रहता है या कोई भी इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन रोटेटरी मशीन, कि जो रोटेटरी मशीन होते हैं उसमें लुब्रिकेंट किसके लिए यूज किया जाता है, जो ओवर इसको किया जाता है ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को, कि आप ज़्यादा अगर लुब्रिकेंट कर दोगे तो उससे होता क्या है कि फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन मीन्स वही हिंदी में इसको घर्षण बोलते हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। जितने भी आपके रोटेटरी मशीन होते हैं, ऐसे मशीन जो मूव कर रहे हैं रोटेट करते हैं उसमें, तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स फॉर, देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में भी पूछा हुआ है, और इसका वीडियो मैंने अभी डाल, मैंने इसके पहले जो है ये वीडियो डाल चुका हूँ 2019 इवेंट सेम का, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया है। ठीक है, वहाँ पे उसने पूछ दिया है कि एग्जॉस्ट फैन का सिंबल कैसा होता है, और उसने सिंबल में ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में सिंबल में दे दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लेना, वहां पर सिंबल दिया था, यहाँ पे इसने सिंबल दे दिया है और पूछ रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है एग्जॉस्ट फैन को रिप्रेजेंट करता है। अगर केवल ऐसा साइन रहे तो आप समझ जाइए कि वो सेलिंग फैन का है, लेकिन अगर इसी को अगर मैं ऐसे सर्कल से ऐसे घेर दूं तो ये हमारा एग्जॉस्ट फैन हो जाता है। ठीक है, ये एग्जॉस्ट फैन हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है क्लीट वायरिंग सुटेबल होता है किसके लिए, क्लीट वायरिंग,
तो ये जो है आप देखेंगे हमेशा इसको जो क्लीट वायरिंग जो होता है, ये ज्यादातर जो कैंप वगैरह होते हैं मिलिट्री के वहां पे इसको यूज किया जाता है। या दूसरा जो होता है आपका जो मैरिज फंक्शन वगैरह होते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज ये टेम्प्रोरी वायरिंग होता है, ये 1 दिन 10 दिन 5 दिन के लिए हम ये सब करते हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं करते हैं, परमानेंट वायरिंग नहीं होता है इसमें। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ये दो हमारे वायर है, अगर ये वायर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो एक ऐसा क्लिप टाइप का बना हुआ रहता है और इसकी मदद से हम दीवार में या कोई लकड़ी पे हम जो है इसको क्लिप ऐसे करके हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। ये जो दो वायर है, जो रेड कलर का है ये वायर है, इसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिप का यूज करते हैं, तो इसलिए इसको क्लिप वायरिंग बोलते हैं और ये टेम्प्रोरी वायरिंग होता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन बी जो होता है ये राइट होगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग ग्राउंड रेजिस्टेंसेस, कि गुड इंस्ट्रूमेंट जो होता है कौन सा होता है टेस्ट करने के लिए ग्राउंड रेजिस्टेंस को, तो ये जो है अर्थ टेस्टर होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें सही होगा, अर्थ टेस्टर का यूज किया जाता है आपका जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें सही होगा, अर्थ टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ रिक्वायर्ड फॉर 3 फेज 5 हॉर्स पावर, एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर मोटर इज, कि जो अर्थ जो होता है रिक्वायर्ड होता है 3 फेज और जो 5 हॉर्स पावर रेटिंग जो है इसका 5 हॉर्स पावर का है ये। ठीक है, तो ये जो मोटर्स है 5 हॉर्स पावर का और 3 फेज, इसके लिए जो होता है अर्थ कितना रिक्वायर्ड होता है, तो केवल एक ही अर्थ वायर का जरूरत है, ओनली वन। ठीक है, तो वन अर्थ, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ द स्विच बोर्ड शुड बी फ्रॉम फ्लोर लेवल, कि जो हाइट जो होता है हमारा स्विच बोर्ड का ये कितना होना चाहिए फ्लोर लेवल से, तो ये जो है 1.5 मीटर इसका होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर आपका रूम है, अगर उसमें आप वायरिंग कर रहे हो तो उसमें जो आपका मान लो चलो ये फ्लोर है, फ्लोर मतलब जो नीचे का जो एरिया है वो, और यहाँ पे जो होता है हम स्विच को लगाते हैं अपने दीवार पे। ठीक है, ये जो हमारा स्विच बोर्ड होता है इसको, ये दोनों के बीच में जो होता है हम 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं। ये आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है, लेकिन जो हमारा आइडियल वैल्यू है वो 1.5 मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द इंक्रीज इन ट्रांसमिशन वोल्टेज सपोर्ट कॉस्ट, कि अगर इंक्रीज कर दिया जाए ट्रांसमिशन वोल्टेज में तो उसका सपोर्ट कॉस्ट जो होता है वो क्या होगा। तो देखो इसमें जो सपोर्ट कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है वोल्टेज जो होता है, अगर आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली, कि जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है सर्किट ब्रेकर का वो कितना होता है, तो ये जो है हमारा मिली सेकंड में होता है। ठीक है, मिली सेकंड में होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। ये मिनट सेकंड और आवर में नहीं रहता है, ये मिली सेकंड में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ स्टार्टर इन ए डीसी मोटर इज टू लिमिट दी, कि जो हमारा फंक्शन जो होता है स्टार्टर का डीसी मोटर में वो किसके लिए किया जाता है, तो लिमिट करने के लिए जो आपका करंट है उसको लिमिट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, जो स्टार्टिंग करंट होता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, टू लिमिट द करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स, कि ये जो सिंबल होता है इस टाइप का ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है आपका सर्किट ब्रेकर को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है ये राइट होगा,
कभी ऐसा डायग्राम दे देता है या इसको ऐसे भी कर सकता है ऐसे, ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल में भी दिखा सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे दिखा सकता है, दोनों सर्किट ब्रेकर को ही शो करता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स फॉर, ये जो सिंबल है क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है कनेक्टर को सपोर्ट, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, कनेक्टर। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने 2019 का पेपर सॉल्यूशन जो डाला था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, इससे पहले उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। वहां पे उसने लेफ्ट हैंड रूल पूछा था, तो लेफ्ट हैंड रूल जो होता है मोटर के लिए यूज किया जाता है, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि राइट हैंड रूल जो होता है अप्लीकेबल होता है किसके लिए, तो राइट हैंड रूल जो होता है जनरेटर के लिए होता है, ठीक है। राइट हैंड रूल जो होता है अप्लीकेबल होता है जनरेटर के लिए, सो ऑप्शन ए जो होता है ये राइट होगा। लेकिन पिछले साल जो है ये पूछा था कि मोटर में कौन सा, मोटर जो है कौन सा प्रिंसिपल को वर्क करता है, तो इसमें ऑप्शन में उसने राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल ये सब दे के रखा था। तो मोटर जो है लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है, और जो आपका जनरेटर होता है राइट हैंड रूल पे काम करता है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि राइट हैंड रूल किसके लिए अप्लीकेबल है, तो इसलिए ये जनरेटर होगा, ये नियम लागू होता है जनरेटर पे। सो ऑप्शन ई जो होता है इसमें करेक्ट होगा, अगर मोटर के लिए पूछे तो लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइटिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ अंडर प्रोटेक्शन एट सब स्टेशन, कि जो लाइटिंग अरेस्टर जो होते हैं इसको कनेक्ट किया जाता है जो लाइन होता है और अर्थ के बीच में प्रोटेक्शन करने के लिए सब स्टेशन पे, तो इसको किस तरह जो होता है कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में इक्विपमेंट के किया जाता है या सीरीज में किया जाता है, तो ये हमेशा जो होता है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद द इक्विपमेंट। जैसे कोई भी अगर हमारा इक्विपमेंट है, अगर उसको लाइटनिंग स्ट्रोक्स वगैरह से बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल में हम लाइटनिंग अरेस्टर को जो होता है कनेक्ट कर देते हैं उसके पैरेलल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेशन मटेरियल शुड हैव, कि जो हमारा इंसुलेशन जो मटेरियल जो होता है इसके पास क्या ज़्यादा होना चाहिए, कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो होता है इंसुलेशन मटेरियल जो होता है उनके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन ई जो होता है इसमें राइट होगा, क्योंकि बिकॉज जो इंसुलेशन मटेरियल जो होते हैं इनका मेनली काम है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करना। जैसे कोई भी वायर है, तो वायर पे हम नॉर्मली करते क्या है, इसमें एक ऐसा इंसुलेशन जो होता है पीवीसी का, ये हम इंसुलेशन कर देते हैं इसके ऊपर में वायर के, कि इससे होता क्या है कि आपको शॉक वगैरह नहीं लगता या कोई लीकेज करंट इससे फ्लो नहीं करता है। अगर मान के चलिए कि ये अगर कंडक्टर से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये जो रेड कलर वाला है, इससे अगर हमारा कोई करंट फ्लो कर रहा है आई करंट, तो इसको अगर आप टच करिए तो आपको करंट वगैरह शॉक वगैरह ना लगे या लीकेज करंट फ्लो ना करें, इसके लिए हम एक ऊपर जो है पीवीसी के इंसुलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो वही इंसुलेशन मटेरियल के पास आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ये ऑफर करेगा और आपको शॉक वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बस बार इज रेटेड बाई, कि जो बस बार होता है इसको रेटेड किया जाता है, क्या चीज़ के वैल्यू पर डिपेंड करता है ये बस बार, किसके द्वारा रेटेड किया जाता है। तो देखिए ये जो है करंट से भी किया जाता है, रेटेड बाय करंट, वोल्टेज से भी होता है, फ्रीक्वेंसी से भी होता है, एंड लास्ट जो है इसका शॉर्ट टाइम करंट, चारों से इसको रेटेड किया जाता है। जो हमारा बस बार होता है इसको करंट के द्वारा भी रेटेड किया जाता है, वोल्टेज से भी, फ्रीक्वेंसी से भी, और जो आपका शॉर्ट टाइम करंट होता है उससे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा यहाँ पर राइट, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ रेजिस्टेंस इज कैप्ट लो, कि जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस है इसको हम कैसे कैप्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे लो करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप इंक्रीज कर दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल, कि पैरेलल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट कर दें या बढ़ा दें, ज़्यादा जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों होगा? बिकॉज देखो अगर हम ऐसा करते हैं तो चूंकि होता क्या है कि अगर एक यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रेजिस्टेंस जो है हमारा मान के चलते हैं कि 6 ओम है, ठीक है, ये 6 ओम हो गया, तो यहाँ पे अगर हम अभी निकालेंगे यहाँ पे इसका आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्वल टू 6 ओम है, तो 6 ओम इसका आर इक्विवेलेंट 6 ओम आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसी में एक और पैरेलल में हम 6 ओम का जोड़ दें, ये 6 ओम हो गया पैरेलल में, जैसे ये बोल रहा है कि इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल, कि ये एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉन को पैरेलल में जोड़ दिया, अब जब इसका रेजिस्टेंस निकालोगे आर इक्विवेलेंट तो ये होता है इसको जैसे मान लो आर वन, ये मान लो आर टू, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, तो इसको जब निकालोगे तो ये 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6 देन 36 डिवाइड बाई 12 यानी कि 3 ओम, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अब इसका 3 ओम हो जाएगा, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका कम हो गया, ठीक है, तो इसलिए हमको लो रखना रहता है, जितना लो रखें उतना सही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको इंक्रीज कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पैरेलल में। अगर एक और बढ़ा दो, जैसे ये तो 2 हो गया, अगर एक और मैं बढ़ा दूं जैसे ये 6 कर दूं, ये 6 ऐसे 6 करके मैं अगर बढ़ा दूं, ठीक है, ये 6 ओम 6 ओम और ये 6 ओम ऐसे मैं कर दूं, ठीक है, तो अब इसका जब मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो अब इसका 2 ओम आएगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कैसे 2 ओम आएगा। तो देखो जितना ज़्यादा हम पैरेलल में बढ़ा रहे हैं, जैसे एक 6 ओम यूज कर रहे थे तो 6 ओम आ रहा था पूरा, फिर 2 हम 6 ओम को जोड़ दिए पैरेलल में तो 3 ओम हो गया, आधा हो गया, 3 हम जोड़े तो इसका समझो कि 6/3 यानी कि 6 जितने भी आपके नंबर ऑफ अगर इक्वल नंबर का रेजिस्टेंस रहे तो 6/n इसका फॉर्मूला होता है, या जितने भी आपका रेजिस्टेंस आर जो होता है एक रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एन, तो यहाँ पर 6 और 3 पैरेलल में जुड़े हैं तो इसलिए 2 ओम आ रहा है। अगर ऐसे भी निकालना है दूसरा मेथड से देखो ये से निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये जो दोनों है इसका निकाल लो, ये तो जो है इसको सबसे पहले निकाल लो, ये दोनों को दोनों पैरेलल में, ठीक है, तो ये 6 और 6 का हमने पैरेलल में निकाला था तो यहाँ पे हमारा आया था 3 ओम, ठीक है, तो अभी सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ओम और फिर ये 6 ओम बच जाएगा और फिर हमारा इधर का पूरा का पूरा। अब हम फिर इसका निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 9 यानी कि 2 ओम, ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2 ओम ही आ रहा है। तो एक चीज हम लोग यहाँ से देखें कि जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे, सॉरी रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं, तो जितना ज़्यादा हम पैरेलल पाथ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो इसलिए हम इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल में। दूसरा क्या होता है कि इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द पिट, जितना ज़्यादा आप डेप्थ बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तीसरा इंक्रीज एरिया जो होता है, इंक्रीज एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जितना एरिया जो है इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है, तो एरिया ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो जितना ज़्यादा ये इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा ये कम होगा, ठीक है, तो इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन का। दूसरा इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द पिट, ये भी सही है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर फ्यूज वायर इज, कि जो बहुत ही ज्यादा जो सुटेबल होता है फ्यूज वायर बनाने के लिए कौन सा होता है, तो इसमें जो है हमारा कॉपर जो होता है सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। अगर बेस्ट मटेरियल पूछे तो ऑप्शन ई जो होता है इसमें राइट होगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि बेस्ट मटेरियल कौन सा है, बेस्ट मटेरियल फ्यूज वायर बनाने के लिए, तो ये होता है हमारा सिल्वर, ठीक है,
लेकिन हम इसको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं सिल्वर को, बिकॉज ये कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर पूछे बेस्ट तो कॉस्टली का अगर हम नहीं देखें तो सिल्वर बेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर सुटेबल मटेरियल पूछे कि जो हमारा कॉस्ट भी कम पड़े हम उसको यूज भी कर पाए, तो वो होता है हमारा कॉपर। जनरली कॉपर का बनाया हुआ रहता है, सिल्वर का हम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि एक ही इसमें डिसएडवांटेज है कि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा होने के कारण ज्यादा हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर बेस्ट मटेरियल पूछे तो वहाँ पे हमको सिल्वर ऑप्शन चूज करना है, लेकिन अगर सुटेबल मटेरियल पूछे तो वहाँ पे कॉपर हम यूज करें जो होता है चूज करेंगे। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस में कहीं भी अगर डाउट हो तो आप जो है कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।